Good morning, students. Today we'll study the next topic of the chapter lines and angles, that is parallel lines and transversal. Parallel lines का मतलब आप जानते हैं ऐसी दो lines जो कहीं पर भी आपस में intersect नहीं करेंगी. Even if they are produced infinitely, they will never intersect. Transversal का मतलब होता है ये दो lines को काटती हुई एक और line. इसे हम कहते हैं transversal. ये जो PQ है line PQ. This is the transversal when AB and CD are the parallel lines. अब कुछ types of angles, pairs of angles जो आपने छोटी classes में पढ़े थे अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था सबसे पहले और पहले तो आपको पता होना चाहिए इन दो parallel lines के बीच में interior angles कौन से हैं 3, 4, 5, 6 जो दोनों parallel lines के अंदर हैं वो कहलाते हैं interior angles. और जो पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ है यानी कि 1, 2, 7, 8 ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स. अब अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब इन इंटीरियर एंगल्स में ऑल्टरनेट एंगल्स एक छोड़ के एक, थ्री से शुरू करें तो थ्री के बाद फोर को छोड़ दो फाइव, थ्री एंड फाइव आर ऑल्टरनेट इंटीरियर. सिमिलरली फोर एंड सिक्स आर आल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर. इसी तरह नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल्स, अभी आपको बताया था 1, 2, 7, 8. अब इसमें ऑल्टरनेट मतलब जब हम सर्कल में घूमे तो 1 के बाद 2 को छोड़ के 7, 2 के बाद 7 को छोड़ के 8, तो 1 एंड 7 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, 2 एंड 8 आर आल्सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. थर्ड इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जो कि एक ही डायरेक्शन में एक जैसे दिखते हों. जैसे एंगल 1 इसकी एक रे ऊपर को है और एक हमारे राइट साइड पे है. सिमिलरली एंगल 5 भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा क्योंकि इसकी एक आर्म ऊपर है और एक राइट साइड पर है. तो एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा, सिमिलरली 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 होगा, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 होगा और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 होगा. देन नेक्स्ट टाइप वॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मतलब पी क्यू, इसके एक ही साइड पे. अगर राइट साइड पे देखें तो इंटीरियर एंगल कौन से है, 4 एंड 5, ये दोनों हुए सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इसी तरह लेफ्ट साइड पे 3 एंड 6, ये दोनों हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. नाउ वी हैव टू एक्सियम्स. एक्सियम 6.3 इज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर पैरेलल होंगी लाइंस ए बी तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, 2 इज इक्वल टू एंगल 6, 3 इज इक्वल टू 7, 4 इज इक्वल टू 8. एक्सियम 6.4 इसी का कन्वर्स है, मतलब अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं दो लाइंस को में, अगर कोई ट्रांसवर्सल है, if a transversal intersect two lines such that the pair of corresponding angles are equal, then agar corresponding equals angles equal hain then the lines are parallel to each other. Matlab agar angle 1 5 ke barabar hai, 2 6 ke barabar hai, 3 7 ke, 4 8 ke, to AB is parallel to CD. These two axioms together they are called corresponding angles axiom. I hope ये concept आपको समझ में आए होंगे. दोनों axioms आपने याद भी करने हैं.
इनका एप्लीकेशन आएगा आगे क्वेश्चंस में. स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी. थैंक यू. क्या हुआ? तो देन आया अंबर और आपने आज ना हमने कौन आया है? पहले आया था किसने भेजे? आई टाउन आई इंस्टीट्यूट इंजीनियर जो है क्या? अजय शर्मा इंस्टीट्यूट आर्किटेक्ट. अच्छा इंजीनियर. हाँ ठीक है आई इंस्टीट्यूट इंजीनियर. अच्छा ठीक है. अच्छा अच्छा और वो पजामे का क्या हुआ? भूल गया. हाँ चलो ठीक है सुबह याद दे देना. मैंने इन्हें कहा कि अब पता नहीं इससे अच्छा तो तुम व्हाट्सएप कर दो उसकी फोटो खींच के पंडित जी को और फोन पे पहले बात कर लो. पहले पढ़ेंगे भी तो पढ़ने के एकदम जाते साथ ही तो देख के नहीं बता सकते ना. तो पढ़ ले फिर जिस दिन वो कहेंगे कि बताना है तो उस दिन मैं चली जाऊंगी फिर पूछने. तो ये कहा था इन्हें पता नहीं करिए भूल गई है क्या पता नहीं क्या किया है.
I
Thank you.